Hello and welcome to all of you on the first day session of computer network for class 8 students. Today I am going to discuss about concept of computer network, means what is computer network or computer networking. Second, needs of computer networking, why we use computer network. Third, advantages of computer networks. What are the benefits of computer networks? And last, types of computer networks. What are the types of computer networks? Now, we discuss about what is computer network. But first of all, we have to understand the term network. Network hota kya? Simply, a network is a system or a group of people or companies that work closely together or communicate to each other. Matlab, logo ka samuh ya kisi company ka samuh. इसमें लोग एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, अपने कार्यों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करते हैं. ये नेटवर्क होता है. अब हम देखते हैं क्या, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज. मतलब क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को हम जोड़ देते हैं और उसका उपयोग इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान, लेन देन, सेंडिंग रिसीविंग के लिए करते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, अब बात आती है Why we use computer network, means needs for computer network. Computer networks have shrunk the world and brought people together. It has enhanced the power of communication and data sharing. पहले की संचार के माध्यम हमारे पास बहुत सारे थे. पहले भी पुराने जमाने में भी लोग सूचना का आदान प्रदान करते थे. हम लोग जानते हैं कि चिट्ठी लिखकर फिल्मों में या देखा होगा चीटिया को वो या कबूतर को उड़ा दिया जाता था संदेश वाहक के रूप में. लोग ही जाते थे दूध बंद कर, इसमें समय लगता था कि सूचना को एक दूसरे से मिलने से. मगर कंप्यूटर के इजाद के बाद, बाय द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक क्रांति सी आ गई है कम्युनिकेशन तकनीक, कम्युनिकेशन की दुनिया. कंप्यूटर नेटवर्क ने क्या किया, पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया, एक छोटा सा रूप धारण कर दिया सूचना का आदान प्रदान करने के. लोग आसानी से एक सूचना का आदान प्रदान आज हम देखते हैं. आज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कैसे हम लोग काफ़ी कम्युनिकेटेड, घर में बैठे बैठे हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं. कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है, जब हम चाहें तब पढ़ सकते हैं, जब हम चाहें किसी सूचना को यूज़ कर सकते हैं, हम जब चाहें किसी गाना को सुनना है उसे डाउनलोड कर लेते हैं, एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, अपने भाव विचारों को सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर देते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी सेंड कर देते हैं. ठीक है, तो एक क्रांतिकारी रूप दिया कम्युनिकेशन को किसने, कंप्यूटर नेटवर्क. डेटा को किसी सूचना का आदान प्रदान हम लोग, बड़ी से बड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं. बड़े बड़े फाइल, मूवी जिसके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं या अपलोड कर लेते हैं. इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगी कि उसका एक एग्जांपल नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का एक सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट. द इंटरनेट इज एन एक्सटेंडेड एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. Discuss about the advantages of
नेटवर्किंग फर्स्ट पॉइंट, इनहैंस एंड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग में क्या है कम्युनिकेशन को इनहैंस करके बढ़ा दिया विस्तृत रूप से, एंड एक वर्ड आता है फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन। अब फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अब हम सूचना को ऐसा नहीं कि कंप्यूटर यानी कि हम सामान्य देखते हैं क्या पीसी डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप ही नहीं, डेस्कटॉप टू लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकते हैं, पीडीए हो सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसको बोलते हैं, कुछ भी इन एनी फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, एनी फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर में हम लोग क्या है डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज़ करना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन को इन्हेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है। सेकेंड पॉइंट है फाइल शेयरिंग एंड रिमोट डेटा बेस एक्सेस। फाइल शेयरिंग नाम से पता चलता है शेयर कर रहे क्या फाइल को डॉक्यूमेंट्स को, यानी डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, सेंडिंग और रिसीविंग अ फाइल, जो कोई फाइल भेज रहे हैं हम लोग, वर्ड फाइल भेज रहे हैं, MP3 का फाइल भेज रहे हैं, सॉन्ग भेज रहे हैं, या वीडियो फाइल भेज रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्या है रिमोट डेटाबेस एक्सेस। रिमोट मतलब क्या होता है दूर मतलब डेटाबेस जानकारियों का एक समूह जहाँ पर डेटा किसी जानकारी को आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, डेटाबेस क्या होता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम लोग सूचनाओं को एकत्रित करके रखते हैं, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों का रिजल्ट निकला, आप लोगों ने क्या किया हम लोग घर बैठे बैठे रिजल्ट देखे कैसे स्कूल के सर्वर में, या तो जो कोई ऐप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्कूल का उसके सर्वर में हमने सारा डेटा डाल दिया रिजल्ट का। अब सब लोग क्या कर रहे हैं डेटा मेरा कहाँ रखा हुआ है उस सर्वर में, यानी कि उस कंप्यूटर सिस्टम में, स्कूल वाले कंप्यूटर सिस्टम में। वहाँ से सभी लोग अपने घर बैठे बैठे मोबाइल के द्वारा या डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर के द्वारा अपने रिजल्ट को एक्सेस किए, उसको देखें, खोले और जाएं, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि रिमोट डेटाबेस एक्सेस क्या है, हम लोग फाइल शेयर भी आसानी से करने लगे और रिमोट डेटाबेस एक्सेस भी कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं रिसोर्स शेयरिंग। पहले ही मैंने बताया था रिसोर्स शेयर का एक बात कर रहे थे, तो हम कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताए। तो रिसोर्स शेयरिंग लाइक प्रिंटर मॉडर्न एंड स्कैनर्स एक्सेट्रा, मतलब क्या है कि सपोज एक ऑफिस है जहाँ पे 10-20 कंप्यूटर हैं, सब कोई अपना वर्क कर रहे हैं, तो उसका हम लोग जानते हैं कि प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं। तो जब भी किसी को प्रिंट निकालना होगा तो क्या होगा, उसके हर कंप्यूटर में एक एक प्रिंटर देना पड़ सकता है हम लोग को, तभी जाके वो प्रिंट निकालेगा, नहीं तो नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर वहाँ पे पूरा वो सिस्टम को नेटवर्क में एक नेटवर्क सिस्टम अप्लाई किया जाएगा, वहाँ पर अगर लैन हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है, तो क्या होगा अगर हम एक या दो प्रिंटर रखें और वहाँ पे वो जितने भी 10 कंप्यूटर्स हैं वो कोई भी कंप्यूटर किसी भी प्रिंटर से अपना प्रिंट निकाल लेगा, यानी कोई भी ऑफिस स्टाफ जो है या एक बैठा हुआ इंसान अपने सीट में बैठे बैठे किसी एक प्रिंटर का भी यूज़ करेगा और उसका यूज करके प्रिंट आउट निकाल सकता है। इससे क्या हो गया हम लोग जहाँ हम लोग को 10 प्रिंटर्स लेने थे, अब हम लोगों ने 2 ही प्रिंटर से काम किया, उससे स्कैनर बहुत सारे का जरूरत पड़ता, जितने लोग जितने स्टाफ थे उतने प्रिंटर का जरूरत पड़ता नहीं, हमको बच गया, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कॉस्ट इफेक्टिव हुआ कि नहीं नेटवर्क में, हमारे पास अब रिसोर्सेज कम हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पैसे भी बचत हुआ, कम्युनिकेशन आसानी से हो गया। अब लैन में एक जगह बैठा हुआ है तो हमको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, रोज डेटा सेंड करने के लेन देन करने को कोई पैसा हम लोग को देना मनी खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक बार जो सेटअप होगा आपस में हमेशा उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग हैं आपस में कम्युनिकेशन करते रह जाएंगे, पैसे की बचत होगी, ठीक है। हम लोग देखते हो क्या इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग ई मेल भेजते हैं या व्हाट्सएप में मैसेजेस डालते हैं, फेसबुक से मैसेज करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, अब क्या कितने दूर दूर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा हम लोग अगर नॉर्मली अगर
पहले जमाने के स्टाइल में करे या अभी भी कुरियर के जैसा या चिट्ठी लिख के पोस्ट करेंगे तो काफ़ी पैसे खर्च होंगे, लेकिन क्या आज इतने होते हैं? नहीं हो पाते आज उतने कम, कुछ लिमिटेड पैसे हम लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का, संचार का माध्यम से यूज़ कर पाते हैं, इसलिए क्या है कॉस्ट इफेक्टिव है। फोर्थ पॉइंट, सुपर फास्ट कम्युनिकेशन विद इन अ क्लिक, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम लोग कम्युनिकेट पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में कभी भी किसी से कर सकते हैं। चाहे वीडियो कॉल करना हो, कोई वीडियो देखना हो, मूवी देखना हो, सॉन्ग सुनना हो, मैसेजेस भेजना हो, ईमेल्स करने हो, ठीक है, कोई आइडिया शेयर करना हो, न्यूज़ देखना हो, कुछ भी हम लोग आसानी काफ़ी तेज गति से क्लिक के द्वारा, एक क्लिक, जितना बढ़िया नेट कनेक्शन, जितना बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन उतने उतने ही स्पीड से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। और क्या है, एक और फीचर आता है एडवांटेज में इसके पास, एक फीचर इसके पास एक और है, वी कैन सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन भी है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हमारी जानकारी सब कुछ है, अगर हम चाहें नहीं कोई खास पर्टिकुलर लोग भी उसके बारे में जाने, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे डेटा को, हम लोग सिक्योर भी कर सकते हैं नेटवर्किंग के कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी टिप्स का यूज़ करके हम सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं। Now, we see various type of computer network. कितने प्रकार होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? पहला है तो फर्स्ट वन पर्सनल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं पैन। सेकेंड वन लोकल एरिया नेटवर्क लैन। कैंपस एरिया नेटवर्क मीन्स कैन। फोर्थ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। वाइड एरिया नेटवर्क हुए हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे पैन को। अब कंप्यूटर के पहला नेटवर्क टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PAN, पैन। पैन इज द कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्सन। इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज सच एज मोबाइल फोन, PDA, प्रिंटर, लैपटॉप एक्सेट्रा दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आप इसके फिगर में देखो क्या देखते हो कि पैन में हम लोग बेसिकली क्या है, एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल आप लोग भी यूज किए, ब्लूटूथ के थ्रू डेटा शेयर करते हैं हम लोग, या जेंडर यूज कर रहे हैं तो डेटा शेयर करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, जब दो कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं आपस में, दो या तीन फुट का हो सकता है, एकदम छोटा क्षेत्र में एक नेटवर्क का, एक छोटा क्षेत्र, ठीक है, एक छोटे रीजन में जो हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं पर्सनल, बिल्कुल एकदम पर्सनल एक तरह से देखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का सेकंड टाइप है लोकल एरिया नेटवर्क लैन। लैन इज द कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज लिमिटेड टू अ लोकल एरिया सच एज स्कूल, ऑफिस बिल्डिंग, लेबोरेटरी एक्सेट्रा। मतलब क्या है, जब एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन का बात हम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग, एक कमरा, ठीक है, जैसे कि स्कूल का लैब हो गया, कंप्यूटर लैब हो सकता है, साइंस लैब हो सकता है, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिस, ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, एक खास रूम में, छोटे से लोकेशन में जब कंप्यूटर नेटवर्क का एक सिस्टम सेटअप किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं, ठीक है। अभी सेटअप करने के लिए हमको कैसे की जरूरत पड़ता है, हम लोग कैसे सेटअप करते हैं,
एग्जैक्टली अभी देखें समझे तो हम लोग को नेटवर्क सेटअप की सबसे जरूरी चीज़ क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या, जो सिग्नल को डेटा को कैरी करें। तो मेरे पास दो टेक्निक होता है, पहला क्या है केबल नेटवर्क, यानी कि वायर्स का यूज़ करते हैं, उसमें इथरनेट केबल होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वायर के थ्रू, और वायर का उल्टा वायरलेस, यानी कि लो पावर रेडियो वेव का यूज करके हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो दो तरीका मेरे पास। जब हम वायर के थ्रू इथरनेट केबल के थ्रू कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं, लैन कॉन्फिगर करते हैं, उसको हम लोग सिंपली लैन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम वायरलेस मीडिया का यूज करते हैं तब हम लैन को थोड़ा रूप नाम बदल देते हैं। अब लैन है, लैन के आगे लग जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, के आगे लग जाएगा डब्ल्यू, यानी कि वायरलेस लैन। ठीक है, कभी कभी इसको और दूसरे नाम से भी लोग बोलते हैं, लॉन, LAWN लॉन। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप को। थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन, CAN। अ कैन इज द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। अ कैन इज स्मॉलर देन अ वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कैन बी सेटअप बाई अ कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी। मतलब क्या है, कंप्यूटर लैन, बहुत सारे लैन जहाँ पे हो, किसी एक खास प्रेमिसेस के अंदर, उसमें जो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो नेटवर्क सेटअप किए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैन बोलते हैं। फिगर में हम लोग कौन देखते हैं क्या, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जैसे लेबोरेटरी का एक ब्लॉक है, लाइब्रेरी का एक ब्लॉक है, आर्ट्स फैकल्टी का है, कॉमर्स फैकल्टी का है, लैब के लिए जहाँ लैब होगा लेबोरेटरी में एक लैन हमने सेटअप किया है, लाइब्रेरी के लिए एक लैन सेटअप करके रखा हुआ है, जहाँ आर्ट सेक्शन है वहाँ पे एक लैन है, और एक कॉमर्स सेक्शन में एक लैन है। ठीक है, ये सारे लैंस मिलकर इन सबको एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में या स्कूल के कैंपस में या कुछ कैंपस में हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क सेटअप करते हैं। उस नेटवर्क टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंपस, विदिन अ कैंपस, अनलिमिटेड जियोग्राफिकल। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली कवर्स अ लार्जर एरिया देन लैंड और कैन। फॉर एग्जांपल, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट टू और मोर ऑफिसेज विद इन अ सिटी, सिटी केबल, सिटी टीवी केबल नेटवर्क। फिगर में हम लोग देखते हैं, एक किसी सिटी में कोई एक पार्टिकुलर जगह ए है और एक जगह बी है, तो ऑफिस वन जो एरिया नंबर ए में है, हाँ, एक ऑफिस बी है जो सेक्टर टू में है, उन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क का सेटअप कर रहे हैं उस नेटवर्क का सेटअप को क्या कहेंगे, मैन। मेट्रोपॉलिटन सिटी के विदिन द सिटी, सिटी के अंदर, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, केबल टीवी नेटवर्क है, केबल वाला आता है, टीवी केबल वाला आसपास में उसी खास क्षेत्र में हम लोग का एक टीवी केबल नेटवर्क देता है। ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, मैन। अब पांचवा टाइप देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। A WAN is a computer network that spans a wide geographical area. A WAN may be spread across cities, countries, and continents. A WAN is formed by connecting LANs and MANs, computers or networks across long distance areas, usually
connected with optical fiber cables, satellite signals, radio links or microwave radio links. वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? अभी तक हमने देखा क्या एक से दो इक्विपमेंट के बीच में, फिर हमने क्या देखा पैन के बाद लैन देखा, एक रूम के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर में, फिर उससे बड़ा देखा कैंपस, पूरे कैंपस के लिए कैम देखा, कैंपस से बाहर निकले पूरे सिटी या विलेज या टाउन के अंदर में, टाउन के अंदर में तो क्या था मैम था, अब हम और ब्रॉड एरिया में जाते हैं सिटी टू सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, मतलब ओवर द ग्लोब का जब बात कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा वैसा नेटवर्क सेटअप हम लोग बोलते हैं वैन। और इसी वैन का सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म आज के डेट में इनहेंस फॉर्म कौन सा है, इंटरनेट। यानी कि वैन कैसे एक तरह से बन रहा होगा, बहुत सारे लैन और बहुत सारे मैन को मिला के, ठीक है उनको मिला के काम कर रहा है, साथ ही अब इसको इतने लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करना पड़ता है। सबसे फास्टेस्ट अगर देखा फास्टेस्ट देखा जाए तो है ऑप्टिकल फाइबर आज के डेट में जो यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा। और क्या है मतलब लाइट, अब क्या है हम लोग डेटा को इलेक्ट्रिक पल्स की जगह लाइट सिग्नल रख देते हैं, हम लोग जानते हैं लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का केबल का यूज़ कर रहे हैं, सेटेलाइट सिग्नल का यूज कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं, ठीक है इन सब का यूज करके हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क चला पाते हैं। आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। डे वन में आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, नेटवर्क ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क क्यों हम यूज़ किए, इसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस का क्या है, कौन कौन सा है और कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, कितने मोस्ट मेजर डिफरेंट टाइप्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क थे उसको हमने देखा, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, अपने टेक्स्ट बुक से छोटा छोटा नोट्स बना लोगे, कुछ क्वेश्चन बनाओ, आंसर में क्वेश्चन बनाओ और जो टूटर क्वेश्चन, और उसको पढ़ने के बाद ये सारे ये चार पॉइंट मैंने भी बताया जो आज मैंने डिस्कस किए तो अपने वर्ड्स में लिखोगे, समय को एंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है थैंक्स, कीप लर्निंग।